नमस्कार दैनिक टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगतदा। आज 198 दिन हो गए हैं आज जम्मू बेस रिजर्व कैटागिरी के एम्प्लाईज जो हैं यहाँ पर पिछले 198 दिन से यही कह रहे हैं हमें कम्प्रिहेंसिव हमारे लिए पॉलिसी दी जाए, यानी और किसकी मौत का कर रहे इंतजार, मत दो हमें बेबसी की मार। आज जम्मू में रिजर्व कैटेगरी, जहाँ एक तरफ एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ये कह रही है कि सेटलमेंट टाउनशिप की बात करें, वही दूसरी तरफ आतंकी संगठन टीआरएफ ये कह रहा है जिस जगह वो टाउनशिप बनाने की तैयारी वो इन सब का कब्रिस्तान होगा, यानी कि ग्रेव यार्ड होगा। तो खुद सोचिए इन लोगों ने क्या बिगाड़ा है, क्यों पिछले 198 दिन से ये लोग सड़कों पर है। क्या ये जम्मू के डोगरे नहीं है? क्या ये जम्मू कश्मीर के वासी नहीं? क्या हिंदुस्तानी नहीं है कि जो इन्हें पिछले 198 दिन से अपने बच्चों के साथ यहाँ पर बैठना पड़ रहा, अपने लिए इंसाफ की गुहार। और साथ ही साथ उस टीआरएफ आतंकी संगठन ने ये भी कहा कि रजनी बाला का जो जिम्मेदारी उनकी हत्या की, वो जिम्मेदारी उन्होंने ली है। एक फिर से फरमान जारी हुआ है, यानी मौत का फरमान। तो आखिर एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार किस चीज का इंतजार कर रही है? क्या चाहते हैं कोई और रजनी बाला की हत्या हो, कोई और राहुल भट्ट की हत्या हो, तब जाके कोई ना कोई जल्द से कम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनाई जाएगी। एक बड़ा ही चिंता का विषय है ये। यही लोग जानते हैं, एक तरफ कलम की मार और दूसरी तरफ गोली की मार। इन लोगों का घर परिवार चलाना मुश्किल हो गया। आज छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ तक पहुँचे हुए, इनसे जाने का प्रयास करें। इस बच्चे का नाम ऋत्विक है। जब हम यहाँ, इसने कहा मेरे से सबसे पहले आप पूछो। आपका बच्चे नाम क्या? माई नेम इज ऋत्विक। ऋत्विक कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं सेकंड क्लास में पढ़ता हूँ। तो बच्चे यहाँ क्यों है? आपको तो घर में पढ़ाई करनी चाहिए ना। मैं क्या करूँ, मेरा स्कूल कश्मीर में है और मैं, आप सोच सकते हैं, मैं 7 महीने से कश्मीर में नहीं गया हूँ क्योंकि उधर टारगेट किलिंग थी और मैं 7 महीने से ही घर पे पढ़ रहा हूँ। डर लगता है वहाँ जाने से? हाँ, डर बहुत डर लगता है क्योंकि उधर टारगेट किलिंग शुरू, मिलिटेंट नॉन लोकल को मार रहे हैं, तो डर लगता है। इसलिए आप अपनी मम्मी पापा क्या कहना चाहोगे? एलजी महोदय आपको देख रहे हैं, बड़े बड़े नेता आपको सुन रहे हैं, क्या? मैं एलजी साहब से यह अपील करता हूँ कि वो जल्द से जल्द ट्रांसफर पॉलिसी लागू करें इन एम्प्लॉयज के लिए, ताकि मैं स्कूल जा सकूं और इन एम्प्लॉयज की ट्रांसफर जम्मू में हो जाए और सैलरी रिलीज कर दो। सैलरी भी नहीं मिली है, मुश्किल हो रहा है। सैलरी भी नहीं मिली है, मुश्किल हो रहा है ना। क्या कहोगे यहाँ के जो नेता आपको इस समय देख रहे होंगे? अरे इस बच्चे की आवाज तो सुन लो कम से कम। ऋत्विक आप कितने दिन से लगातार यहाँ पर आते हो? हमें 190 डेज से भी ज्यादा हो चुका है इधर धरने पे बैठे हुए, और मैं यही एलजी साहब को कहता हूँ कि वो इन एम्प्लॉयज की ट्रांसफर जम्मू में कर दे, यानी जान बचाई जा सके। हाँ, जान दे सके। चलिए एलजी महोदय, शायद रविंदर राणा जी आप इस बच्चे की मासूमियत देख रहे हैं, कितना परेशानी में कि 7 महीने से घर पर बैठा हुआ है। तो खुद सोचिए, पढ़ाई का अधिकार तो हर एक देशवासी को, चाहे बच्चा हो कोई भी हो, पर इनसे वो भी हक छीना जा रहा है, यानी जबरदस्ती के माध्यम से। और जो आतंकी संगठन है वो लगातार फरमान पे फरमान जारी कर रहे हैं, आखिर किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ की सरकार? क्या कोई और रजनी बाला की किस तरह की हत्या हो या किसी और राहुल भट्ट की हत्या हो, फिर जाकर आप लोग जल्द से जल्द कोई कम्प्रिहेंसिव पॉलिसी लाएंगे? सर, साफ तौर पर जिम्मेदारी उठाई है टीआरएफ ने कि रजनी बाला की, और जिस तरह से ये देखिए आपने किस तरह से मार्क किया, अंडर मार्क किया। बिल्कुल, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूँ, लगातार आप देख रहे हैं, कल भी शाम को एक थ्रेड लेटर आता है। ये बड़े बोलते हैं, जोरदार तरीके से जिम्मेवारी लेते हैं कि जो यहाँ पर आएगा, चाहे वो कश्मीरी पंडित हो, नॉन लोकल एम्प्लॉई हो, यहाँ तक जो वहाँ के कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो वो इस वक्त जो वहाँ ट्रांजिट कैंप में काम कर रहे हैं, जो उनको वो कंस्ट्रक्शन में लगे हैं, उनको भी टारगेट किया जा सकता है। बड़े धड़ल्ले के साथ बोलते हैं, बड़े जोरदार तरीके से बोलते हैं, लेकिन हमारा जो प्रशासन है, जिसका हम एक हिस्सा हैं, हमारा प्रशासन हमारी जिम्मेवारी लेने को बिल्कुल तैयार नहीं है। ठीक है, ये लोग तो लिख रहे हैं, ये जो कल का जो है ना, मैं आपको दिखा, अगर आप जूम इन कर सके तो देखें,
हमने बराबर अंडरलाइन करके रखा है। और ये मैं बोलता हूँ सिर्फ हमारे पास नहीं आया है, ये सोशल मीडिया में जब वायरल हुआ तो लाखों लोगों ने इसको देखा है। तो शासन और प्रशासन में बैठे लोगों को ये पता नहीं चल रहा है, उन तक है ये, सब कुछ जानते हैं। इसके बाद इसके ऊपर एक लंबी चौड़ी लिस्ट डाल दी है कि इन लोगों को अभी तक टारगेट कर दिया गया है, आपके सामने है। इसमें रजनी बाला का जो है सीरियल नंबर 15 पे उसका नाम लिखा गया है, जो कि जम्मू बेस रिजर्व कैटेगरी की एम्प्लाई थी और वो बराबर जो है 31 मई को उसको टारगेट किया गया था। उसके बाद एक और लिस्ट आपके पास डाल दी गई है, इसमें साफ लिखा गया है कि इन लोगों को टारगेट किया जा सकता है। ठीक है, तो बड़े धड़ल्ले के साथ ये चीजें आगे लाई जा सकती, निडर होकर करते हैं। लेकिन शासन प्रशासन में बैठे लोगों को मैं सोचता हूँ हैरानगी की बात ये होती है, जिस सोर्स से अभी तक ये थ्रेट इशू होते हैं इसके ऊपर अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है। हर हफ्ते के बाद 6 दिन के बाद थ्रेट लेटर आता है, उसके ऊपर इंक्वायरी की भी बात की जाती है, जांच की भी बात की जाती है, लेकिन ग्राउंड पे कंक्रीट कोई स्टेप अभी तक नहीं लिया गया। लगातार इस तरह के लेटर बिल्कुल मैं कहता हूँ बेखौफ होकर। क्या लगता है आपको इनके हौसले इसलिए बुलंद है कि इन पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं है? देखिये मैं कहता हूँ हौसले बहुत ज्यादा बुलंद है इन लोगों के। मैं इनको भी कहते जिसने भी ये निकाला है वो अपनी इस कार्रवाई में कभी कामयाब नहीं होगा, मैं मानता हूँ इस चीज को। लेकिन ये कर्मचारी जो इस वक्त बेबसी की हालत में बैठे हैं, 198 दिन हो चुके हैं, 2 दिन के बाद 200 का आंकड़ा हम छूने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने पहले कहा था बहुत पानी बह चुका है गंगा में भी और साबरमती में भी, 198 दिन वापस नहीं आएंगे इन कर्मचारियों के लिए। और कोई हमें अगर ये सोचता है कि इनको 200 के पार करवा के फिर 50 पार का वो टारगेट अचीव करेंगे तो ये मुश्किल नहीं है, ये असंभव है। हमने हिमाचल जम्मू में देखा है, ये दिल्ली में देखा है कैसे बदलाव आया है। वो बदलाव की लहर जो है जम्मू में बह रही है और बहने वाली है। क्यों? अगर आप समस्या का समाधान नहीं करते तो आश्वासन देने देना नहीं चाहिए। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आप इन कर्मचारियों की सैलरी तक रिलीज नहीं करवा पाते हैं तो फिर उम्मीद क्या करेंगे आपसे, उम्मीद क्या करेंगे हम। और देखिए बड़ी सक्षम सरकार है, ऐसी सक्षम सरकार है, ऐसे ऐसे निर्णय लिए हैं कि जम्मू कश्मीर का भूगोल भी बदल दिया है, इतिहास भी बदल दिया है और मैं कहता हूँ ये भविष्य बदलने की सोच रहे हैं। लेकिन पहले इन कर्मचारियों के भविष्य को बदलना पड़ेगा, अगर इनका भविष्य अंधकार में है तो फिर उनका अंधकार में पहले ही चला गया है। ठीक है, अब हैरानगी की बात होती है, सबसे बड़ी बात है ये लगातार जो फरमान निकले पूरे नाम के साथ, यानी ये देखिए उन आतंकी संगठनों के जो सोर्सेज हैं कितने स्ट्रांग हैं, यानी आप लोगों की एक एक डिटेल उनके पास है, क्या होने वाला है, क्या होगा, सब कुछ है। फिर इस पर सबसे पहले लगाम कसनी चाहिए और साथ ही साथ किस चीज का इंतजार किया जा रहा है, सब कुछ सामने उसके बावजूद ही इसको फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है, ये बड़ी विडंबना की एक बात है। कहता हूँ बोलते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, ये आपके सामने है एक एक डिटेल इम्प्लाई की। वो इम्प्लाय जो अभी मेरे ख्याल से इन इम्प्लाईज ने अभी अभी इनकी सेक्शन लिस्ट निकली और हाल में ही शायद इन्होंने ज्वाइन की है वहां पर, विद पेरेंटेज, विद रेजिडेंस, फोन नंबर, क्वालिफिकेशन, यहां तक के मैरिट में उसके पॉइंट्स कितने हैं, ये एक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट होता है, हम गवर्नमेंट इम्प्लाई हमें पता है। एक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट अगर ऐसी एजेंसीज के पास पहुंच रहा है, ऐसे लोगों के पास पहुंच रहा है जो थ्रेट दे रहे हैं, तो मुझे लगता है प्रशासन में बैठे ही लोग कुछ ऐसे हैं जो इन कर्मचारियों के जीवन के साथ खेल रहे हैं। देखिए मैंने आपको पहले कहा ये लड़ाई हमारी कोई DHRA की लड़ाई तो है नहीं कि चलो कोई बात नहीं अगर इस साल बजट में प्रोविजन नहीं है अगले साल देख लेंगे, नेक्स्ट ईयर बजट में देखेंगे, लेकिन ये जिंदगी और मौत का प्रश्न है। ठीक है, आपने खासतौर पर मैं देखता हूँ आश्वासन बहुत दिए जाते हैं हमें, हर चीज रिटर्न में है, थ्रेट लेटर जो है आपके लिए रिटर्न में आता है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस कार्ड आपके लिए रिटर्न में आता है। ठीक है, ड्यूटीज के ऑर्डर निकलते हैं वो रिटर्न में आते हैं। ठीक है, सैलरी बंद करने का ऑर्डर रिटर्न में आता है, लेकिन जब हम बोलते हैं कि हमारी सैलरी रिलीज करवाइए एज ए इमीडिएट और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, तो ये बोला जाता हमको कि आपके लिए वर्बल डायरेक्शन दे दी गई है। तो मुझे लगता है कि ये वर्बल डायरेक्शन क्या है? देखिये वर्बल डायरेक्शन कुछ नहीं होता, जब ये लोग धड़ल्ले से आपको धमकी वाला खत वहां से भेज सकते हैं तो कम से कम सैलरी के लिए एक रिटर्न ऑर्डर आना चाहिए। मैं आपको सीधे बोलता हूँ, देखो हो सकता है कि अगर प्रशासन से आए तो ये लोग माने ना। देखिए मैं आपको सीधा बात कहता हूँ, जम्मू बेस्ड इम्प्लाईज जितने भी रिजर्व कैटेगरी इम्प्लाईज हैं इनके साथ एक बहुत ग्रास लेवल पर डिस्क्रिमिनेशन होती है, ये कोई आज से नहीं बात है।
इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन पिछले 15 सालों से हो रही है, मैं आपको सच बताता हूँ। इन लोगों ने कश्मीर में वर्क कल्चर को बिल्कुल चेंज कर दिया है। इन लोगों ने वहां वहां जाके ड्यूटीज दी हैं जहां पर वहां का लोकल एम्प्लॉय जाने को तैयार नहीं था, ठीक है। उन फार फ्लंग एरियाज में ड्यूटी जाके की है जहां पर सोचते थे कभी कोई एम्प्लॉय पहुंचा ही नहीं है, लेकिन आज वजह यह है कि ये लोग पिछले 198 दिन धरने पे बैठे। क्यों बैठे हैं? देखिए, जान जो है ना, जिंदगी से बड़ा कुछ नहीं है। आपका जीवन आपके ऊपर सर्वोपरि है। अगर आप अपने जीवन की आत्मरक्षा नहीं कर सकते हो तो फिर कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आर्टिकल 21 वायलेट हो रहा है, आर्टिकल 21 ए भी वायलेट हो रहा है। ना इन कर्मचारियों के अपने जीवन की रक्षा हो कर पा रहे हैं, ना इनके बच्चों की शिक्षा की कोई यहाँ पर कुछ बात की जा रही है। देखिए, मैं आपको कहता हूँ, प्रशासन जो है ना, प्रशासन में बैठे लोग जो बिल्कुल सेफ खेल रहे हैं। एलजी साहब ने एक कमेटी बनाई है, काम खत्म हो गया उनका। जो कमेटी में के बीच नीचे लोग बैठे हैं ब्यूरोक्रेसी, उन लोगों ने एक ऑर्डर निकाल दिया है बायोमीट्रिक अटेंडेंस का, वो भी सेफ खेल रहे हैं। भाजपा ने भी एक कमेटी बनाई, उन्होंने भी अपने तरीके से सेफ खेल खेलना शुरू कर दिया है। तो हम लोग जो है ना, जब भी हम सवाल पूछते हैं उनके नेता से, ये हमारे अपने, हमें बड़ा दर्द है। तो दर्द है तो 198 दिन से भाजपा का कोई नेता आपके साथ क्यों नहीं बैठा? मैं आपके बहुत कहता हूँ, कथनी और करनी में फर्क होता है। अगर अपने का दर्द हो ना, तो अपनों के दर्द में फिर बोलने की जरूरत नहीं होती है। मैं तो उनसे भी अपील करता हूँ आपके माध्यम से, अगर आपका ये प्रशासन, जम्मू कश्मीर का प्रशासन आपकी आवाज़ नहीं सुनता है, हमारी तो सुनता ही नहीं, हम यहाँ बैठे हैं, सीधी बात। अगर आपकी बात नहीं सुनती तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ, आप आइए हमारे साथ अम्बेडकर चौक में धरने में बैठिए, हम ये लड़ाई मिलकर लड़ेंगे, कोई बात नहीं। आपकी यहाँ सरकार नहीं है, हम मानते हैं इस बात को, लेकिन प्रश्न तब उठता है कि जब आप ये कहते हो कि हमने पहाड़ियों को उनका हक दिला दिया, हमने वाल्मीकि समाज को उनका हक दिला दिया है, हमने डीलिमिटेशन किया है, अब उन लोगों को भी हक मिल रहा है, पाकिस्तान के जो रिफ्यूजीज यहाँ पे आए थे उनका हक दे दिया, तो क्या तब आपकी सरकार थी? ठीक है, तो ये जो कर्मचारी बैठे हैं इनके लिए तो आप पल्ला झाड़ने की बात करते हैं कि हमारी सरकार ऐसी नहीं, तो पल्ला झाड़ने की बात नहीं है। जम्मू संभाग से सबसे ज्यादा अगर समर्थन किसी राजनीतिक दल को मिला है तो वो भाजपा को मिला है, उससे वो इनकार नहीं कर सकते। और अगर आज उनको इन लोगों के लिए आगे आना पड़ेगा तो उनको काम करना पड़ेगा। और मैं आप संक्षिप्त में एक ही लाइन में बात को अपनी खत्म करता हूँ। देखिए, मैं सीधी बात बताता हूँ, जम्मू कश्मीर जो है ना, यहाँ पर सबसे बड़ी विडंबना ये रही है लोगों की, यहाँ पर जब तक आप धरना ना दें, सड़कों पर ना उतरें, आप बेबस ना हो जाएं, मजबूर ना हो जाएं कि कुछ कोई ऐसा एक्सट्रीम स्टेप आप ले लें, तब तक आपके संज्ञान बातों को नहीं लिया जाता। मैं तो इतना ही चाहता हूँ शासन और प्रशासन बड़े बैठे लोगों को, कम से कम आप लोग इसका संज्ञान लीजिए। और दो तीन दिन पहले जो एलजी साहब ने अपनी तरफ से एक बात कही है कि कोई भी उनके दरवाजे पे आ सकता है, उन्होंने राजभवन के दरवाजे खुले हुए हैं, तो हम तो ये भी कहते हैं ये दोनों दरवाजे अम्बेडकर चौक के ये भी खुले हैं, लेकिन दरवाजे खोलने से बेहतर है कि आप अपने दिल के दरवाजे को खोलिए। जब आपका दिल का दरवाजा खुल जाएगा तो मैं बोलता हूँ हर समस्या का समाधान निकल कर सामने जरूर आएगा। साफ तौर पर भैया ने कह दिया जनाब एलजी साहब आपसे भी कि जितने मर्जी घरों के ऑफिस के दरवाजे आप खोल दीजिए, जब तक भाजपा के नेताओं के एलजी महोदय का दिल का दरवाजा इनके लिए नहीं खोलेगा, इनके लिए कंप्रीहेंसिव पॉलिसी आने वाली नहीं। जनाब साफ तौर पर लिखा है जो पचाए जीवन हमारा वही होगा नेता हमारा। अब भाजपा के पालने में गेंद है, भाजपा कह रही है, अभी भी कह रही है 50+ का लक्ष्य अगर इन लोगों को 200 से पार हो गया तो बहुत मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन होगा भाजपा का 50 पार भी, क्योंकि बिल्कुल साथ में लगता हुआ राज्य हिमाचल है। हिमाचल प्रदेश की आप हालात देख लीजिए, दिल्ली की बात देख लीजिए, आप जम्मू कश्मीर की बारी। अगर वाकई भाजपा अपना वर्चस्व, अपना विश्वास आम जनता के साथ निभाना चाहती है तो जनाब जनता की परेशानियों को हल तो करना होगा। क्या कहेंगे मैम, किस तरह का जीवन हो गया? हम भी आपको रोज देखते हैं, जब मौका मिलता हम भी आपकी आपको आवाज देते, जब हम नेताओं से बात करते हैं हम भी कहीं ना कहीं दुखी होकर वापस करते हैं। एक तरह से कहते हैं वो हमारे हैं, एक तरह से कहते हैं हमारे लिए उनके दिल में दर्द है, तो वो दर्द दिखता क्यों नहीं है? यही तो सवाल है मैम। अगर इतना दर्द है तो हम कहते हैं कि आप तो करवा चौथ से वादा करके गए थे हमसे, आपने तो दिवाली पे बात की थी, अब तो मैं कहूंगी कुछ महीनों के बाद दूसरा करवा चौथ भी आ जाएगा, लेकिन कहाँ गए वो आपके वर्ड्स? हम आपसे ही पूछ रहे हैं, इतना ही दर्द है तो क्या हम आपसे पूछते हैं क्या आप अपने घर की, जो अपने घर की बहू बेटियों को सड़कों पे बैठने देते? बैठते आज एलजी सर जी सोते पे हैं,
हमारे मन की पेरेंट्स की एज की होंगे, अगर उनकी कोई बेटी को हमारी एज की होगी, कल को उनकी बेटी का सात महीने से धरने में चौक पे बैठी होती, क्या उसको बैठने देते वो? ये प्रश्न बनता है ना, यही अपने में पराए में फर्क आ जाता है। अगर इतना ही दर्द है तो आपको हमारे पेरेंट्स के आंसू नहीं दिखाई दिए? हमारे बच्चे जब रोज आके मीडिया में गुहार लगाते हैं हमारे पेरेंट्स की सैलरी नहीं आई है, हम खुद जाके बोलते हैं कि सर हम ही सिर्फ नहीं डिपेंडेंट अपनी सैलरी पे, हमारे परिवार हमारा हमारे बच्चे भी डिपेंडेंट है। वो बच्चा जो सात महीने से स्कूल नहीं गया है, ठीक है, तो आप बच्चे ने भी अपना दर्द बयां कर दिया, आप उसका क्या जस्टिस कर रहे हो? और सबसे बड़ी चीज है ये जो थ्रेट लेटर्स आते हैं मैम, इन चीजों से कम डर लगता है हमें, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन का रवैया है उससे हमें ज्यादा डर लगता है, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव का रवैया है ना वो टोटली हमारे अगेंस्ट है। उन्होंने एक किस्म से देखा जाए ना, उन्होंने अपना पलड़ा बिल्कुल झाड़ दिया हुआ है कि हमें, उन्होंने एक किस्म से देखा, उन्होंने हमें रिफ्यूजी करार दे दिया हुआ कि हमारे है ही नहीं है। क्योंकि अगर हम वाकई में यहाँ के लोग उनको हमें मानते कि हम यहाँ के हैं, यहाँ की आवाम है, तो हमारी वो आवाम की आवाज में हमारी आवाज भी सुनते, मन की बात में हमारे मन की बात भी सुनते वो। लेकिन जो उनका रवैया है वो ज्यादा खतरनाक है, इन थ्रेट लेटर से वो ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो भी कहते हैं ना, विपिन सर ने बिल्कुल सही कहा, हर कोई अपनी सेफ साइड प्ले कर रहा है, प्ले कर रहा है। जीएडी का ऑर्डर आ गया, क्योंकि जीएडी के जो भी ऑफिसर्स हैं उनको, उनके लिए ऑब्लिगेटरी नहीं है कि वो किसी के मरने पे कंडेम करेंगे या किसी के घर में अफसोस करने के लिए जाएंगे, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उनकी किसी प्रेशर में आके कोई इम्प्लॉय टारगेटिंग का शिकार हो जाएगा तो उनको क्या जरूरत है उसको उसके घर जाने की, अफसोस करने की, या कंडेम करने की, या कुछ भी करने की, उनको कोई जरूरत नहीं है। उनको पता आज हम इधर है कल कहीं और चले जाएंगे, काम खत्म। उनको तो जरूरत ही नहीं हमारे साथ संवेदना दिखाने की, तो वो तो वही रोल प्ले कर रहे हैं। एलजी सर ने कमेटी बनाई, उन्होंने भी सेफ कर दिया, वो भी कल को कह सकते हैं कि हाँ मैंने बात बनाई की थी, कमेटी बनाई, वो कमेटी ने क्या रिपोर्ट दी, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती उस पर पूछने के लिए? भाजपा ने कमेटी बनाई, आप श्रीनगर गए, वहां से आए, आपने एक सैलरी तक का ऑर्डर तक नहीं करवाया, तो आप भी सेफ साइड में है, क्योंकि आपने भी कमेटी बना दी, आपने भी लोगों में जनता में दिखा दिया कि हमने इनके लिए कमेटी बना के आगे आगे। तो हर कोई अपनी एक सेफ साइड लेके चल रहा है, हमें मरने के लिए मगर आगे धक्का देने के लिए तैयार है, जोरों शोरों से दिया जा रहा है। तो सबसे खतरनाक जिस टाइम जो रोल है ना वो इन थ्रेट लेटर्स का नहीं है, उससे भी ज्यादा खतरनाक रोल है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का, फरमान जारी होते हैं आपके लिए। जी मैम क्या कहते हैं, उस दिन रविंदर राणा का आपने रास्ता भी रोका, आते तो हैं यहाँ पे, आश्वासन देते हैं, भगवान जानता है उनके मन में क्या है, क्या मंशा से आते हैं, किस मंशा से ये नेता लोग आपको आके आश्वस्त करवाते, तो आपके चेहरों पर भी खुशी आती है, पर वो भी हम देखते हैं उसके बाद थोड़ी देर के बाद फिर आप मायूस हो जाते हैं। मैम मायूस तो बिल्कुल होंगे, जैसे थ्रेट लेटर्स आ रहे हैं, जैसे वो आश्वासन देके जाते हैं लेकिन वो कुछ नहीं करते रिटर्न में, सिर्फ आश्वासन देते हैं वर्बली। अगर उन्होंने रिटर्न में कुछ किया होता तो हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंस है ये बिल्ड होता, लेकिन ये जो थ्रेट लेटर्स है, मैं जैसे आपने भी कहा कि इनका मिशन जो है ये बहुत सटीक है, ये लिख के काम कर रहे हैं, जो कर रहे हैं ओपनली कर रहे हैं, ओपनली कर रहे हैं, मतलब कि ये इतने उनके हौसले कितने बुलंद हैं कि ये साफ तौर पे जो जिनको मारा है उनकी जिम्मेदारी भी ले रहे हैं, तो जो इनके निशाने पे है उनकी जिम्मेदारी भी ले रहे हैं। लेकिन प्रशासन क्या कर रहा है, जैसे मैम ने सही कहा कि इस समय हमें इनसे ज्यादा इनसे डर नहीं लगता, जितना प्रशासन ने अड़ियल रवैया हमारी तरफ अपनाया है हमें उनसे ज्यादा डर लग रहा है कि कल को। मैम देखिए इनके लिए कोई भी चीज मायने नहीं रखती, मैं सिर्फ एक चीज पूछना चाहती हूँ कि अगर ऐसे थ्रेड लेटर्स, भगवान ना करे, हम कहते हैं गॉड फॉरबिड, अगर इनकी बहू बेटियों के लिए आए जो कार्यकर्ता है हमारे, अगर उनकी बहू बेटियों के नाम निकले तो क्या वो इसी तरह से कहेंगे कि हमारी सरकार नहीं है, एलजी गवर्नमेंट है, एलजी प्रशासन है, एलजी साहब को रिपोर्ट सौंपी है, बात की है, वर्बली इंस्ट्रक्शन दी है, क्या यही बात कहेंगे? इनके लिए हमारी आम लोगों की जिंदगी कोई मायने नहीं रखती, लेकिन हमारी जो आवाज है मैम आज आप मीडिया कर्मचारियों की ही वजह से दूर दूर तक पहुंच चुकी है, तो फिर वो हमारे पड़ोसी ही राज्य हैं, हिमाचल और दिल्ली, वहां तक भी सुन ली है लोगों ने हमारी आवाज, तो आने वाले दिनों में मैं कहती हूँ भगवान ना करे कि बाकी जगहों पर भी हमारा ये जो आवाज है ये पहुंच जाए, तो प्रशासन को इस चीज से बचना होगा। फिर वही बात कह जाती है ना मैम, मैं अफसोस आता है ये बात कहते हुए कि अच्छे दिन आएंगे, तो इन अच्छे दिन के चक्कर में हमने जो हमारे बच्चे खुची जिंदगी थी अच्छी चल रही थी वो भी गवा दी। बिल्कुल धन्यवाद। साफ तौर पर आज जम्मू बिज डिजर्व कैटेगरी, ये एम्प्लाइज नहीं बल्कि कहीं हम परिवार, जिस तरह से डेली वेजर्स का कहते हैं, इनका कहना है कि जो फरमान आतंकी संगठन निकाल रहे हैं इनके लिए और जिनकी जिनकी जान ली है उनकी जिम्मेदारी उठा रहे हैं, उनसे इतना डर नहीं लगता जनाब जितना डर लगता है जो एडमिनिस्ट्रेशन का एडमंट रवैया इनको लेकर जो फरमान उनकी तरफ से निकाले जाते हैं। यानी समझ हमें भी नहीं आ रहा कि भाजपा के या कोई भी नेता अगर घाटी में जाता है, आप लोगों के पांच गाड़ियां आगे पांच गाड़ियां पीछे, पीएसओ से आप लेस होते हैं, तो तब जाकर आप कहते हैं जनाब, या केंद्र कोई मंत्री आता पूरा स्क्वाड आपके साथ होता है, जी हालात सामान्य है,
तो आप किस तरह से उम्मीद करते हैं ये लोग जिनको धमकियां आ रही हैं, जान से मारने की धमकियां आ रही हैं, सेटलमेंट टाउनशिप की जब बात हुई तो कह रहे हैं वहां पर इनका कब्रिस्तान यानी ग्रेवयार्ड बनाया जाएगा। तो आखिर सरकार प्रशासन किस चीज का इंतजार कर रही है? क्यों है आतंकी संगठनों के हौसले इस कदर बुलंद? क्योंकि उन्हें पता है लगातार ये लोग पिछले 198 दिन से अपनी जान की दुहाई मांग रहे हैं, इन्हें कोई भी फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिला, अन्यथा हो सकता है इन्हें वापस मजबूरन नौकरी को ज्वाइन करना पड़े। पहले उन्होंने अपने आप को बता दिया यानी चेतावनी दे दी, अगर यहाँ पर आओगे तो आपकी जान जाएगी। फिर ये सोचिए कि गवर्नमेंट जो सरकारें होती हैं आम जनता के लिए होती हैं, आम जनता द्वारा बनाई जाती है, उनकी बेहतरी के लिए होती हैं, तो ऐसी सरकारों का क्या करना जो आज भी कहते हैं हम 50 प्लस का लक्ष्य लेकर चले हैं, 50 प्लस आएंगे तो अगर 200 से ऊपर दिन होंगे तो खुद सोचिए क्या भाजपा 50 प्लस का वो लक्ष्य पूरा कर पाएगी, क्योंकि एक नहीं कई परिवारों की रोजी रोटी उनकी जान का सवाल है। आप इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या कहेंगे कि किस लिए नेतागण यहाँ पर आते हैं, आश्वास इन्हें करते हैं फिर चले जाते हैं, यानी उनकी ड्यूटी खत्म। और ये जो पुलंदे हमारे पास है आतंकी संगठनों से लगातार इन्हें थ्रेट आ रही है, इसका जवाब कौन देगा जनाब? इसकी जवाबदेही किसकी होगी? क्या रविंदर रैना जी की होगी, क्या एलजी महोदय की होगी, या यहाँ की सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन की होगी? कौन देगा इसका जवाब? अब खुद सोचिए, शायद इनमें से एलजी महोदय का या यहाँ के जितने भी नेता उनका कोई अपना होता, उनको इस तरह का थ्रेट लेटर आया होता तो तब बात बनती, कितनी जल्दी एक्शन होता, कितनी जल्दी कोई ना कोई कंप्रिहेंसिव पॉलिसी आती, हमारा ये सवाल रहेगा आखिर कब तक। अपने कमेंट अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि ये लेफ्टिनेंट गवर्नर से होते हुए जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री उन तक पहुंचे। ये आपकी जनता, आप अपनी मन की बात तो सुनाते हैं पर हमारे मन की बात भी सुनिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे अगले अपडेट के लिए। जय हिंद जवान।